तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। किसान भाइयों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा यानी फसल पंजीकरण हरियाणा मंडी में फसल बेचने की तारीख इस प्रकार भरें या बदलें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। इसके लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में आपको यहां पर टाइप करना है ई खरीद हरियाणा और इसे सर्च कर देना है। तो चलिए किसान भाइयों सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको आ जाना है नीचे और यहां पर आप देख सकते हैं ई खरीद लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद किसान भाइयों आपको इन तीन डॉट पर जाना है और यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो डैशबोर्ड ओपन हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं, जब नीचे आएंगे तो फार्मर शेड्यूलिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद किसान भाइयों आपके सामने इस प्रकार का जो पेज है वो आ जाएगा। इसके बाद किसान भाइयों जो ये पेज आपके सामने आया है इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे, आपको कहीं जाने की और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यहां आने के बाद क्या करना होगा, आप सबसे पहले थ्री डॉट पर जाएं और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लें ताकि जो विंडो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको यूज करने में आसानी हो। इसके बाद किसान भाइयों यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल नंबर से ही सर्च करना है, सबसे आसान तरीका है। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फोन वाले आइकन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर कैप्चा कोड भरने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको भरना है, इस वाले खाली बॉक्स में ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, जैसे आपके सामने आए ऑटोमेटिक वो जो लिखे आए हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं और प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद किसान भाइयों आपके सामने मोबाइल नंबर भरने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको वह मोबाइल नंबर भरने हैं जो आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिए थे, वह नंबर यहां पर भरने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। किसान भाइयों अब जो ओटीपी आपके पास आया है वो ओटीपी यहां पर आपको भरना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। किसान भाइयों वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके सामने ऊपर आपकी सभी डिटेल दिखा दी जाएंगी। यहाँ पर आपको क्रॉप के सेक्शन में दिखेगा जो आपने फसल ऑनलाइन कर रखी है, हमारी बाजरे की फसल है तो यहाँ पर फसल आपको दिख जाएगी। इसके बाद किसान भाइयों सीजन, ये खरीफ 2022 का सीजन चल रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है शेड्यूल वाले ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद किसान भाइयों अब आपसे पूछा जा रहा है डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, तो आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद किसान भाइयों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो फसल है वो पहले से सिलेक्ट है। इसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, मंडी की जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी है जिस मंडी में आप अपनी फसल बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपको अपनी मंडी सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए हम एक मंडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली मंडी की। उसके बाद किसान भाइयों यहाँ से आपको मंडी सिलेक्ट करनी है, चलिए एक मंडी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद किसान भाइयों अब यहाँ पर आपको वह डेट भरनी है जिस डेट को आप अपनी फसल मंडी में ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक डेट भर लेते हैं, तो चलिए हम कल की ही डेट यहाँ पर भरकर एक बार देखते हैं। हमने कल की डेट यहाँ पर भर दी और अब हमें क्या करना है, चेक अवेलेबिलिटी करना है, क्योंकि किसान भाइयों यहाँ पर आपको यह चेक करना है कि इस दिन स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। तो चलिए हम अब क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया स्लॉट, जो स्लॉट है इज अवेलेबल, यानी स्लॉट इस दिन अवेलेबल है। जैसे ही हम यस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो ये डेट है ये शेड्यूल्ड हो जाएगी, और शेड्यूल होने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको शेड्यूल नंबर और शेड्यूल डेट मिल जाएगी। यहाँ पर शेड्यूल नंबर मिलेगा और जिस दिन की आपने डेट भरी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो किसान भाइयों यहाँ पर आप इसे रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, यानी आपने एक बार जो डेट भर दी उसे आप दोबारा भी यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं मंडी में फसल ले जाने की। तो इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं किसान भाइयों, बिल्कुल आसान तरीका है। कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको लिंक मिलेगा, डायरेक्ट यहां पर आएं और अपनी मंडी की डेट आप भर लें। तो किसान भाइयों अगर आपको
इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। आगे से आपको और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।